वेलकम बैक टू ब्ले लेना के 12। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फोर द कोल्ड वॉर ईरा के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे इस चैनल का पैटर्न रहा है, आपने हिस्ट्री के लेसन को जरूर ज्वाइन किया होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि तीन लेवल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। लेवल वन में जो क्वेश्चंस होंगे वो वन लाइनर होंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद लेवल टू में क्या होगा कि उसमें हम लोग उसके जो टफनेस है, क्वेश्चन की टफनेस है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इसमें कार्टून बेस्ड क्वेश्चन एंड उसके हिसाब से क्वेश्चंस रहेंगे। एंड फिर लेवल थ्री में हम लोग एसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मतलब क्या होगा कि लेवल के बढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन की जो टफनेस है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने क्वेश्चन को तैयार किया है और इस हिसाब से आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप सभी प्रकार के क्वेश्चन से वाकिफ हो जाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। राइट, सो आप आज के इस चैप्टर में हम लोग आज के इस लेसन में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेवल वन में हम लोग 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेवल टू एंड लेवल थ्री में हम लोग 5-5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द प्रीमियर ऑफ द यूएसएसआर एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय यूएसएसआर के मतलब सोवियत संघ के प्रीमियर कौन थे? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है निकिता क्रुश्चेव, या फिर मिखाइल गॉर्बाचेव, या फिर व्लादिमीर लेनिन, या फिर जोसेफ स्टालिन। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो लाइव चैट का ऑप्शन है उसमें आपको जवाब देना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में जवाब इसलिए आप दोगे ताकि बाद में भी मैं आपको उसको चेक कर सकता हूँ और मैं पर्सनली उन स्टूडेंट्स के जो आंसर है उसको चेक करूंगा और अगर किनको करेक्शन की जरूरत होगी तो वो भी वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये एडवाइजेबल है कि आप जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप गलत करें सही करें वो बात अलग है, लेकिन जरूर अटेम्प्ट करें, ये ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय यूएसएसआर के प्रीमियर कौन थे? तो इसका सही जवाब है निकिता क्रुश्चेव। यूएसएसआर के प्रीमियर कौन थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय? निकिता क्रुश्चेव। 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, अक्टूबर 1962 में, उस समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे या प्रीमियर थे निकिता क्रुश्चेव। तो इसका सही जवाब है निकिता क्रुश्चेव। और आपको पता ही है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में नहीं पता तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया वन शॉट वीडियो का, वहां से मैंने आपको वो वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट एनालिसिस करके पूरी तरह से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। ठीक है, सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था कि यूएसएसआर ने क्यूबा में अपना बेस बना दिया था और वहां पर अपने मिसाइल्स वगैरह डिप्लॉय कर दिए थे। इससे अमेरिका को परेशानी हो गई थी और अमेरिका ने क्या किया था, नेवल ब्लॉकेट कर दिया था कि मतलब यूएसएसआर से क्यूबा सिप वगैरह नहीं जा सकते हैं, उसको बीच रास्ते में रोक दिया था। तो ये करीब 12-13 दिनों तक ये संकट चला था और 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। और इस दौरान में क्या हुआ था, पूरी दुनिया एक तरह से कह सकते हो कि न्यूक्लियर ब्रिक मैनशिप की तरफ मुड़ गई थी। इसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियर पावर किसी भी क्षण हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई थी। दुनिया पूरी सांसें बंद करके बैठी हुई थी, देख रही थी इस चीज को, एनालाइज कर रही थी कि क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। मतलब ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाता अगर इतना बड़ा संकट था, और इसको हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर भी कहते हैं। ठीक है, उसका सही जवाब है निकिता क्रुश्चेव। और उस समय यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, ये भी आप याद रखो। आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय कौन थे यूएस प्रेसिडेंट, तो जॉन एफ कैनेडी। अच्छा हाँ, और क्यूबा के कौन थे लीडर? क्यूबा के जो लीडर थे वो थे फिदेल कास्त्रो। ये भी आप याद। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, केवल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया जा रहा है कि हाँ ए बी सी डी, बल्कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप उन चीजों को कनेक्ट कर सकते हो और बार बार अगर आप सुनोगे ना तो जो चीज आपको आती भी वो भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगी, और जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चीज समझ रहे हैं, तो वो आप रिवाइज करते रहोगे इन चीजों को और कॉपी में नोट करते हुए चलोगे। ठीक है, तो अक्टूबर 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा के लीडर थे फिदेल कास्त्रो, यूएस के लीडर थे जॉन एफ कैनेडी एंड यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको तस्वीर में यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो राइट हैंड साइड में है निकिता क्रुश्चेव एंड लेफ्ट हैंड साइड में है फिदेल कास्त्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाजंट अ मेंबर फाउंडिंग मेंबर ऑफ एनएएम। एनएएम के फाउंडिंग मेंबर्स में से कौन इनमें से नहीं है? पहला ऑप्शन है यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इंडिया या कॉन्गो। तो आपको बताना है कि नन अलाइन मूवमेंट, मतलब जो गुटनिरपेक्ष एक तरह से मूवमेंट था, उस का फाउंडिंग मेंबर कौन सा देश नहीं है। देखिए आपको ना एग्जामिनेशन में इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाउंडिंग मेंबर पूछा जा रहा है कि कौन फाउंडिंग मेंबर नहीं था, मतलब ये नॉट वर्ड के ऊपर काफी ध्यान रखना है। ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं कि नॉट को ध्यान से नहीं पढ़ते और इस कारण से पहला ऑप्शन मिला वो सही है तो चलो टिक करके उसको निकल लेते हैं, लेकिन क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं तो कहूंगा कि आपके पास 1.5 घंटे का समय है ना, तो 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो हर एक क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ो।
ठीक है, और ऑप्शंस को भी चारों को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है ना, वो आपको देना होता है, ठीक है। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है एनएएम के फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं है, तो युगोस्लाविया, युगोस्लाविया बिल्कुल, युगोस्लाविया के लीडर उस समय थे टीटो, इंडोनेशिया के लीडर थे जो सुकार्नो थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के, इंडिया के तरफ से प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नेहरू जी थे, चाचा नेहरू, वो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कांगो। मतलब क्या हुआ कि एनएएम के फाउंडिंग मेंबर में कांगो शामिल नहीं था, तो आपसे पूछा भी वही जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा कांगो, ठीक है। और आपको बता दूं कि दो और लीडर थे, दो और कंट्रीज इसमें शामिल थे, आपने देख लिया यूगोस्लाविया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, और इसके अलावा जो है वो है घाना, ठीक है। घाना से जो थे वो कुरुमा थे, ठीक है, ये घाना के लीडर थे। और जो लास्ट बचे वो थे इजिप्ट नासिर, ठीक है। तो ये पांच लीडर जिनको फाउंडिंग मेंबर माना जाता है एनएएम का। अच्छा, एनएएम कब बना था, कैसे बना था, तो एनएएम की जो स्थापना है ना, इसका विजन, एक तरह से विजन जो दिया गया था वो बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। बैंडिंग कॉन्फ्रेंस को फर्स्ट अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी हम लोग कहते हैं, अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ पे हुआ था, तो बैंडुंग सिटी है इंडोनेशिया में, तो ऑब्वियसली इसको होस्ट किसने किया होगा, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, सुकार्नो, उन्होंने होस्ट किया था बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में। और ये कब हुआ था, 1955। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। तो एनएम का विजन, देखिए आपसे पूछा जाए कि एनएम का विजन कब दिया गया या किस कॉन्फ्रेंस में आया, एनएम की स्थापना करने की बात कहाँ पे निकल के आई, तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में, जिसको फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें अफ्रीका के और एशिया के जो न्यूली डिकॉलोनाइजेशन थे वो सब इसमें शामिल हुए थे। 1955 में ऑर्गेनाइज किया गया था इंडोनेशिया में, उसको होस्ट किया था सुकार्नो उस समय, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। और आपको ये भी बता दूं कि इंडोनेशिया वॉज अ डच कॉलोनी, डच कॉलोनी मतलब वो डच लोग उस पर रूल किया करते थे, ठीक है। तो ये चीज, और यहाँ पर विजन दिया गया। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंडन कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये डिसाइड हो गया कि हम लोग एक नन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, हम एक ऐसे मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे जिसमें कोई भी कंट्री जो है ना, वो कोई भी कंट्री है वो ना ही यूएस के कैंप को ज्वाइन करे, ना ही यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करे, तो एक तीसरा ऑल्टरनेटिव दे रहे थे, तो अब बन गया एनएएम। तो एनएएम का जो पहला समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगला क्वेश्चन ही यही है कि फर्स्ट समिट ऑफ द एनएएम हेल्ड एट Where? तो आपको बताना है एनएम का पहला समिट कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन, आपके ऑप्शंस है ए न्यू दिल्ली, बी बैंडम, सी बेलग्रेड एंड डी शंघाई। तो आपसे पूछा जा रहा है एनएम नन अलाइन मूवमेंट का पहला समिट कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली, बैंडम, बेलग्रेड, शंघाई। आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आपको जवाब जरूर देना है, लाइव चैट में भी और कमेंट बॉक्स में भी जवाब जवाब देना है, ठीक है, ताकि मैं आपको देख सकूं, एनालाइज कर सकूं, और जहां पे भी आपको दिक्कत हो रही है उन चीजों को मैं रेक्टिफाई कर सकूं, राइट, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत सही वो बात की बात है। तो पहले समिट जो हुई थी एनएएम की वो हुई थी बेलग्रेड, बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है, ठीक है। हालांकि सर्बिया के बारे में बता दूं, सर्बिया जो है ना वो यूगोस्लाविया का पार्ट होता था, बट वहां से निकल गया है, तो जो सर्बिया है वो अलग हो गया। तो सर्बिया का जो कैपिटल है ना वो है बेलग्रेड। तो एनएएम की पहली समिट कहाँ हुई थी, बेलग्रेड में, कब हुई थी, 1961 में। तो आपको बहुत सारे फैक्ट याद हो गए एनएएम के बारे में। एनएएम का जो विजन दिया गया था वो कब दिया गया था, 1955 बैंडन कॉन्फ्रेंस में, जिसको फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और उसके पांच लीडर के बारे में आप याद रखो, उनके पांच लीडर के बारे में, टीटो थे जो कि यूगोस्लाविया के थे, इंडिया से नेहरू जी थे, और जो इंडोनेशिया है वहां से सुकार्नो है, घाना से क्रुमा है, और इजिप्ट से नासेर है। तो ये पांच लीडर थे जिनको फाउंडिंग फादर या फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है, फाउंडिंग फादर बोला जाता है एनएएम का, ठीक है। तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955, और एनएएम का पहला समिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे बेलग्रेड में, ठीक है, कब हुआ था, 1961। चलो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि लेटेस्ट समिट कब हुआ था, ये भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रखा है, लेटेस्ट समिट मतलब लास्ट समिट कब हुआ है एनएएम का और कहाँ हुआ है, ठीक है, जल्दी से आप बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नेम क्या था। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए थे 6 और 9 अगस्त 1945 रिस्पेक्टिवली। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था ना, उसका कोड नेम क्या था, रॉजर, लिटिल बॉय, फैट मैन और जुपिटर इफेक्ट। तो इस सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक, आई होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। सो हिरोशिमा पे बॉम्ब कब गिराया गया, देखिए अमेरिका ने, यूएसए ने
जापान पे एटम बम को ड्रॉप किया था, ठीक है। अच्छा ये भी बता दो कि अमेरिका ने डेवलप कब कर लिया था, 1945 में ही डेवलप किया था न्यूक्लियर बम को। उसके बाद उसने इतिहास में, मानव इतिहास में आज तक दो ही एटम बम को यूज किया गया, ड्रॉप किया गया, ठीक है। टेस्ट तो कई बार हो गए, लेकिन इसको बॉम्ब को ड्रॉप करना, किसी पे हमला करना, मिलिट्री यूज जो होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का, वो अकेले एक बार जापान पे हुआ है, मतलब दो बार आप कह सकते हो, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, ठीक है। तो हिरोशिमा पर कब किया गया था, 6 अगस्त 1945, एंड नागासाकी पे 9 अगस्त 1945। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका कोड नेम क्या था, तो आप याद रखो इसका कोड नेम था लिटिल बॉम्ब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिटिल बॉम्ब। वहीं पर नागासाकी पर कौन सा बॉम्ब गिराया गया था, मतलब उसका कोड नेम क्या था, उसका कोड नेम था फैट मैन, फैट मैन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, तो पहले छोटा सा बच्चा गिराया गया, उसके बाद फैट मैन मोटे आदमी को गिराया गया। तो इसका सही जवाब होगा लिटिल बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द वॉर्सो पैक्ट वॉज साइन, वॉर्सो पैक्ट जो है ना वो किस साल साइन किया गया था। आपके ऑप्शन है 1949, 1955, 1965 या 1968। काफी आसान सा सवाल है, लेकिन फैक्चुअल सवाल है, आपको याद होना चाहिए वॉर्सो पैक्ट कब साइन किया गया था। आई होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1955। वॉर्सो पैक्ट जो है ना वो आप कह सकते हो ईस्टर्न अलायंस है, ईस्टर्न अलायंस है, और ईस्टर्न अलायंस है, इसको लीड कौन कर रहा था वॉर्सो पैक्ट को, यूएसएसआर। वहीं यूएस जो था वो किस चीज को लीड कर रहा था, वेस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था, और साथ ही साथ उसका जो एक मिलिट्री ग्रुप था वो था नाटो, ठीक है। हालांकि और भी थे, सीटो सेंटो, तो उसके बारे में भी चीजें आप जान लो, सीटो एंड सेंटो, ये भी अमेरिका के द्वारा ही बनाए गए, या कह सकते हो वेस्टर्न अलायंस या वेस्टर्न जो पावर है उन्हीं के द्वारा डोमिनेटेड ये सब मिलिट्री अलायंसेस है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो सीटो एंड सेंटो को। चलो चलिए आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग याद रखो, सीटो का जो नाम है ना उसको हम लोग मनीला पैक्ट भी कहते हैं, ये चीज आप याद रखो, मनीला पैक्ट कहते हैं। और सेंटो को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CNTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेंटो का जो पुराना नाम था वो था बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट। चलिए तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, वेस्टर्न अलायंस वेस्टर्न वॉर्सो पैक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो वॉर्सो पैक्ट कब साइन किया गया था, 1955 में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, जो वॉर्सो पैक्ट है 14th मई 1955 को साइन किया गया था, इसमें कौन कौन से कंट्री थे, तो याद रखो यूएसएसआर तो था ही, यूएसएसआर के अलावा अल्बेनिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, ठीक है। तो कितने कंट्री हुए, 8 कंट्रीज हुए, जिसमें से अल्बेनिया जो है वो 1968 को इससे विड्रॉ कर लेता है, बट जब वॉर्सो पैक्ट बना था तो उसमें क्या हुआ था, यूएसएसआर प्लस 7 अदर रिपब्लिक्स थे, 7 अदर कंट्रीज थे, इसमें आप याद रखो अल्बेनिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखो, ठीक। और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दो कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, किस साल हुई थी, क्या वॉर्सो पैक्ट से पहले हुआ था या वॉर्सो पैक्ट के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन किस देश से संबंधित है, ये आपने सुन रखा होगा अगर आपने मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा है तो। सो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन इज इट रिलेटेड टू यूएसएसआर, टर्की, क्यूबा और कोरिया, ठीक। जल्दी से आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि बे ऑफ पिग्स इन्वेजन किस देश से संबंधित है, किस देश के अगेंस्ट हुआ, तो इसका सही जवाब है क्यूबा, अप्रैल 1961 में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन किया गया था। आप देख लो कि ये क्यूबा जो आप देख रहे हो ना, क्यूबा अमेरिका के ठीक नीचे एक आइलैंड कंट्री है, तो वहां पे एक जगह है जिसको कहा जाता है बे ऑफ पिग्स, ठीक है। जैसे इंडिया में है ना, इंडिया के पास है ना बे ऑफ बंगाल, वैसे ही वहां पर एक बे है, खारी है, जिसका नाम है बे ऑफ पिग्स। तो हुआ क्या था कि क्यूबा के नए लीडर कौन बने थे, फिदेल कास्ट्रो, मतलब वहां पर एक कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ था, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद वहां पे जो एक तरह से कह सकते हो कि अमेरिका की तरफ इंक्लाइंड लीडर थे ना बटिस्टा, उसको हटाकर फिदेल कास्ट्रो बन जाते हैं वहां के लीडर, तो ये अमेरिका को पसंद नहीं आया, समझ में आ रही चीज है। क्यूबा पर कौन रूल कर रहे थे, बटिस्टा, काफी सालों से ये अमेरिका के एलाइट थे, अमेरिका के तरफ थे, अमेरिका के फेवर में काम करते थे,
उसको उनको हटाकर, बतिस्ता को हटाकर फिदेल कास्ट्रो वहां पर पावर में आ जाते, ये चीज अमेरिका को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने कोशिश करा कि फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को हटा दे वहां से, फिदेल कास्ट्रो को मरवा दे या फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को टॉपल कर दे। इस कारण से अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उतारा था और उनको काम दिया था कि आप क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को हटा दो। तो ये बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट बच गई, उन्होंने रेसिस्ट कर लिया सक्सेसफुली। तो अप्रैल 1961 में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ था क्यूबा के अगेंस्ट में। इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय और या इट वॉज डायरेक्टेड बाय USA। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट। अंडर विच प्लान US गेव एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। किस प्लान के अंतर्गत अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे एड दिए, इकोनॉमिक एड, बहुत सारे पैसे? मार्शल प्लान, ट्रूमन प्लान, हेनरी प्लान और एक निक्सन प्लान। तो आपको बताना है किस प्लान के अंतर्गत अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को बहुत सारे पैसे दिए थे, इकोनॉमिक एड दिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मार्शल प्लान। ठीक है, मार्शल प्लान के अंतर्गत अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में रिकंस्ट्रक्शन के लिए काफी सारे पैसे दिए। और आपको बता दो कि ये चीजें ना कहाँ से शुरू हुई थी। 1947 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे ट्रूमन, हेनरी ट्रूमन। उन्होंने एक 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 चीज प्रमोट करी थी या एक चीज को प्रोपगेट किया था कि हमें ना दुनिया में कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना है। तो उस चीज को बोला जाता है ट्रूमन डॉक्ट्रिन या ट्रूमन फिलोसफी आप कह सकते हो। ट्रूमन साहब क्या कहते थे कि हमें दुनिया में जो कम्युनिज्म का स्प्रेड है ना, जो USSR का जो कम्युनिज्म है वो स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे, इवन की ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में, उसके बाद आप देखोगे एशिया में भी धीरे धीरे फैल रहा है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बन गया, फिर उसके नीचे वियतनाम है वो प्रयत्न कर रहा है कम्युनिज्म को अडॉप्ट करने का, और इवन अडॉप्ट भी कर लेता है, वहाँ के जो हो ची मिन्ह होते हैं वो कम्युनिस्ट लीडर ही होते हैं, वही पावर में आ जाते हैं। तो वो कहते थे कि हमें दुनिया में कम्युनिज्म के स्प्रेड को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, हमें दुनिया में कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना है। और उस समय प्रेसिडेंट है यही कौन है, ट्रूमन। तो उस समय जो सेक्रेटरी थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो थे मार्शल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है ना, वो इंडिया में आप समझो कि जैसे होम मिनिस्टर होते हैं ना, गृह मंत्री, वैसे ही वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। तो मार्शल साहब जो थे ना, वो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो उन्होंने उसी डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आपको कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्लान शुरू किया कि हमें वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को पैसा देना है ताकि वो कंट्रीज USSR की तरफ न चल जाए। मतलब वो कंट्रीज हैं वो USSR की तरफ न चल जाए, कम्युनिज्म ना अडॉप्ट कर ले, इसलिए पहले से उनको पैसे वैसे खिला के उनको रिकंस्ट्रक्ट कर दो। अदरवाइज क्या होगा कि मान लो एक कंट्री है वो तो बर्बाद हो चुका है, चलो वेस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है अब वो बर्बाद हो चुका है। तो हो सकता है ना, पॉसिबल है कि USSR अगर उनको हेल्प करे तो वो USSR की तरफ हो जाए, फिर तो कम्युनिज्म स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन ट्रूमन साहब हमेशा कहते थे कि हमें कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से रोकना है। ठीक है, तो ये प्लान शुरू किया गया था और इसका पीरियड जो है ना मार्शल प्लान का, वो आप याद रखो 1947 से लेकर 52 तक, तो करीब 5 सालों तक ये प्लान चला। इसमें वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को काफी सारे ढेर सारे पैसे वैसे दिए गए, उनको कैपिटलिज्म की तरफ ही रखा गया उनको यूएस ने। अब जब पैसे दोगे तो फिर पैसे अगर अमेरिका उनको दे रहा है तो फिर अमेरिका की तरफ ही वो लोग अपनी ओबीडियंसी दिखाएंगे ना, अपनी अपनी जो वफादारी है वो दिखाएंगे, कैपिटलिज्म को वो अडॉप्ट करके रखेंगे। तो ये चीजें चल रही थी वहां पे। ठीक है, तो आप समझ लो तो यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं वो तो USSR अपने उन्होंने बना लिया, लेकिन अब वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज ना USSR की तरफ चल जाए, तो इस चीज को रोकने के लिए ये मार्शल प्लान स्टार्ट किया गया था। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, दिस विल हेल्प टू कीप यू गोइंग टिल 1952। ये है मार्शल और ये मार्शल एड दे रहे हैं और ये वेस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है जो कि ऐसा कुछ पैसे वैसे ले रहा है, फूड एंड रॉ मटेरियल एंड इकोनॉमिक एड ले रहा है। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट एन ऑप्शन टू स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑफ द अलायंस सिंस द टाइम व्हाट वाज क्रिएटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके क्रिएशन के बाद जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके पास एक नया ऑप्शन आया कि वो किसी अलायंस को ज्वाइन ना करके एक 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 अपना थर्ड ऑप्शन को अडॉप्ट कर लें या थर्ड ऑप्शन को ही वो अपने चीज़ों को वो लेके चले। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के पास किसके बनने के बाद एक नया ऑप्शन क्रिएट हुआ। ऑप्शन ए नाटो, सेंटो, वॉर्सो पैक्ट या डी नैप। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या नाटो के बाद जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनको अलायंस ज्वाइन ना करने का एक एक ऑप्शन मिल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाटो तो दरअसल बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, बनाया गया था ना, ये बनाया गया था ताकि जो कंट्रीज हैं उसको अमेरिका अपने डोमिनेंस में रखे। सेंटो ये भी नहीं, ये भी अमेरिका का ही एक एक, एक मिलिट्री ग्रुप था। वॉट्सअप एक्ट USSR का था। तो भाई ये सब तो मिलिट्री अलायंस वाले ही हो गए ना, तो ये सब हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। इसका सही जवाब है नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट।
उसका नाम ही ये चीज बताता है कि आपको अलाइन नहीं होना है, किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है। तो उसका सही जवाब होगा नैप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय, ये बहुत ही आसान सवाल है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। वेस्टर्न अलायंस को कौन हेड कर रहा था, कौन लीड कर रहा था? इज इट ए सोवियत यूनियन, और बी जापान, द यूएसए और द यूके? ठीक है, आपको बताना है वेस्टर्न अलायंस को कौन हेड कर रहा था। सोवियत यूनियन? नहीं, सोवियत यूनियन नहीं कर रहा था, सोवियत यूनियन कर रहा था ईस्टर्न अलायंस, ठीक है, इसको हेड कर रहा था। जापान, यूएसए, यूके, ये सब वेस्टर्न अलायंस थे, वेस्टर्न अलायंस थे। लेकिन आप याद रखो कि इसको लीड कौन कर रहा था, हेड कौन कर रहा था, वो था यूएसए, क्योंकि अमेरिका या यूएसएसआर, वो जो दौर था कोल्ड वॉर का, इसमें या तो यही पावर है या यही पावर है, या तो यूएसए या यूएसएसआर, तो इसको हेड कर रहा था अमेरिका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि यहां पर क्या चीजें चल रही है, और इसको वेस्टर्न अलायंस क्यों कहा जाता है। कई सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर इसको वेस्टर्न अलायंस क्यों कहते हैं। तो अगर आप देखोगे ये यूरोप का मैप है, तो आप देखोगे कि ये जो रेड वाला एरिया है ना, रेड वाला, ये सब ये ईस्टर्न अलायंस कहला जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप के जो ईस्ट के कंट्रीज है ना, अब देखो यूरोप के जो ईस्ट के कंट्रीज है, ब्रिटिश, ईस्ट जर्मनी हो, पोलैंड हो, चेकोस्लोवाकिया हो, हंगरी, रोमानिया, बुल्गेरिया, ये सब किसकी तरफ है? ये यूएसएसआर की तरफ है। तो इनका जो ग्रुप बन गया, वॉर्सो पैक्ट को साइन कर लिया इन्होंने, तो ये ईस्टर्न अलायंस कहलाए। और जो यूरोप के वेस्ट के कंट्रीज हैं, वो सब वेस्टर्न पावर है, वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, जिसको लीड कर रहा था यूएसए। ठीक है, तो यूरोप के एक्चुअली ना दो पार्ट हो गए थे, ईस्ट वाले पार्ट को यूएसएसआर लीड कर रहा था, और वेस्ट वाले पार्ट को यूएसए लीड कर रहा था। इस कारण इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस कह देते हैं हम लोग। ठीक है, ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस, ये यूएस, ये यूरोप के कारण। चलिए लेवल वन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड कंट्री वॉज रिसीविंग बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन? कौन सा द्वीपीय देश जो था उसको राजनयिक और वित्तीय सहायता दोनों मिल रही थी सोवियत संघ से? क्यूबा, श्रीलंका, जापान या नॉर्वे? जल्दी से आपको जवाब देना है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेवल टू में प्रोसीड करेंगे। कौन से आइलैंड कंट्री को सोवियत यूनियन की तरफ से डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड मिल रहे थे? इसका सही जवाब है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा वो कंट्री था जिसको यूएसएसआर की तरफ से फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक हेल्प मिल रहा था, इवन मिसाइल्स वगैरह भी मिल रहे थे, क्योंकि वहां पे जो क्यूबा के जो लीडर थे ना, वो फिदेल कास्ट्रो, जो कि कम्युनिस्ट थे, फिदेल कास्ट्रो जो कि कम्युनिस्ट थे, और यूएसएसआर खुद ही कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा है, कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा फ्लैग बेयर था, तो वो उस कंट्री को हेल्प कर रहा था। श्रीलंका? नहीं, श्रीलंका एनएएम का मेंबर था। जापान? जापान जो था ना, वो वेस्टर्न अलायंस में था, नॉर्वे भी वेस्टर्न अलायंस में, तो ये सब चीजें होंगी। तो क्यूबा जो है उसको हेल्प कर रहा था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में, अमेरिका के ठीक नीचे एक आइलैंड कंट्री है क्यूबा। चलिए लेवल टू के क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, आपको मैच करना है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट्स ऑफ पैक्ट, नाटो, 1949, 1945, 1955, 1962? आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है, ए, बी, सी, डी। आपको देखना है वीडियो में, और बहुत ही संभाल के जवाब देना है कि कब ये इंसिडेंट हुए थे, और मैच द फॉलोइंग आपका क्वेश्चन है। आई होप कि आपने जवाब दे दिया होगा कि कौन सा आंसर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये 1962 में हुआ था, तो हो जाएगा वन का डी। तो देखो वन का डी किस किस में है, चलो बी और सी में, चलो ए को आप कट कर दो, डी को आप कट कर दो। ठीक है, तो आपका बी और सी में से आंसर हो सकता है। फिर है एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है ना, 1945 में हुआ था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड जो था ना, वो था 39 से 45, 1939 से 45, तो ये सेकंड, तो हो गया बी ऑप्शन, आपका यहीं से कट गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वैसे आप देख लो, वॉर्सो पैक्ट मैंने अभी बताया कि 1955 में साइन किया गया था, और नाटो जो था वो साइन किया गया था 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। उसका सही जवाब होगा वन का डी, टू का बी, थ्री का सी, एंड फोर का ए। तो ये रहा आपके सामने सही जवाब, ऑप्शन सी। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ द कंट्रीज बिलोंग टू द एक्सिस पावर? आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पावर लड़ रहे थे, एक थे एलाइड पावर और दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर। तो एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर के बीच में लड़ाई चली थी, तो आपको बताना है कि एक्सिस पावर में कौन कौन से कंट्रीज थे। ठीक है, इज इट ए यूएसए, जापान, ब्रिटेन, और बी ब्रिटेन, यूएसएसआर, जर्मनी, सी जर्मनी, इटली, जापान, और डी जापान, जर्मनी, फ्रांस?
तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा कौन सा, सी। बिकॉज एक्सेस पावर की अगर बात करें तो दरअसल ये तीन बड़े कंट्री के बीच में एक अलायंस था, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, ये एक्सेस पावर में। एलाइड पावर की वही बात करो तो इतने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, यूएसए, ये सब एलाइड पावर के पार्ट थे। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सेस पावर के पार्ट कौन कौन थे, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वैसे आप इस मैप में देख सकते हो कौन कौन से कंट्रीज, ये जो आप येलो में देख रहे हो ये सारे कंट्रीज एलाइड पावर के पार्ट, ठीक है, और जो रेड में देख रहे हो ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जर्मनी है, फिर नीचे इटली भी है, फिर राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जापान भी है एशिया में, तो ये सारे कंट्रीज, और आप देख रहे होगे इंडिया वगैरह भी इसमें शामिल था, लेकिन इंडिया उस समय आपको पता होगा कि एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, तो 1945 में हम लोग ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, तो उनके तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए हम लोग को भी अलाइड पावर का पार्ट बताया गया इस मैप के हिसाब से, तो ये चीज़ है याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस में उसमें कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, जैसे हिस्ट्री में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड मैप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे पॉलिटिकल साइंस में आपको कार्टून पे खासा ध्यान देना है, ठीक है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसके हिसाब से इस कार्टून को आप देखो, ध्यान से देखो और उसके बाद जवाब दो कि व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट, ये कार्टून किस चीज़ को दर्शा रहा है। पहला, चाइनाज अलायंस विद द यूएसए, और द पीसफुल रिलेशंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, और चाइनाज अलायंस विद द यूएसएसआर, और डी बोथ ए एंड बी। ध्यान से देखना है आपको इस कार्टून को, आपके बुक में दे रखा है ये कार्टून, तो आप उस कार्टून को देखकर आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। दरअसल ये जो चीज़ है ना, ये जो कार्टून है उसमें दिखाया गया है चाइनाज अलायंस विद द यूएसए। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तो पार्क में ना बेंच पे यूएसए और यूएसआर गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, तो ये तो ये भी है ना कि यूएसए और यूएसआर के बीच में अच्छे संबंध है, तभी ना बैठे हुए हैं आराम से पार्क में। नहीं, ऐसा नहीं, दरअसल इस कार्टून का मकसद कुछ और है, कार्टून किसी और चीज़ को दर्शा रहा है। ये आप जो पीछे जो व्यक्ति देख रहे हो ना, ये है माओ ज़ेडुंग, जो कि चाइना के, ठीक है, और चाइना के और यूएसए के रिलेशन बेटर हो गए 1970s के बाद, चाइना और यूएसए के रिलेशन बेटर हो गए थे। इवन के 1972 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वो तो विजिट भी करते हैं चाइना को। हुआ क्या था कि चाइना वैसे आपको बता दो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है चाइना। 1949 में चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था, और यूएसएसआर तो आप जानते ही हो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो दोनों को तो दोस्त होना चाहिए सर, ये दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन सर ऐसा है कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया था, बॉर्डर का कुछ मसला हो गया था, बीच में छुटमुट लड़ाइयाँ भी हुई थी चाइना और यूएसएसआर के बीच में, और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं वो ये है कि चाइना ना हमेशा ब्लेम करता था यूएसएसआर को, और यूएसएसआर ब्लेम करता था चाइना को कि आप ना सही कम्युनिज्म को नहीं फॉलो करते हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते थे कि यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर कम्युनिज्म, ठीक है, जो कम्युनिज्म की प्रॉपर आइडियोलॉजी होती है आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हो, वो एक दूसरे पर बस ऐसी तरह से लांछन लगा रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया है, तो इन दोनों के बीच के संबंध खराब हो गए। तो आप देखो इसका फ़ायदा उठाया यूएसए ने, यूएसए का दुश्मन है यूएसएसआर, और यूएसएसआर का दुश्मन अब बन चुका है चाइना, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, तो यूएसए ने अपनी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ा ली चुपके चोरी चोरी। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यूएसएसआर को धोखे में रखकर यूएसए संबंध बना रहा है किसके साथ, संबंध बेहतर कर रहा है किसके साथ, चाइना के साथ। इवन की रिचर्ड निक्सन के समय ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, 1971 में काफ़ी अच्छे संबंध हो गए थे, 1972 में रिचर्ड निक्सन विजिट भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि एक सुपर पावर यूएसए को विजिट कर रहा है, कैपिटलिस्ट कंट्री ना वो विजिट कर रहा है कम्युनिस्ट चाइना को, तो ये काफ़ी चीज़ें बड़ी चीज़ें। तो आप याद रखो ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है चाइनाज अलायंस विद द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर सर रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। कथन कहा जा रहा है कि द कोल्ड वॉर वॉर नीदर ए वॉर और एन आर्म मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नॉट ए कंडीशन ऑफ पीस, इट वॉज रैदर ए स्टेट ऑफ अनइजी पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या रीजन कहा जा रहा है, द कोल्ड वॉर वॉज नॉट बींग फॉट बाई क्लेवर मूव प्रोपगेंडनिस्टिक एक्टिविटीज एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए एसेंशियल रीजन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका या होता है, सबसे सही तरीका क्या होता है कि आप इसको ना दो अलग अलग स्टेटमेंट समझो और आप ये देखो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट ना, आप इसको दो स्टेटमेंट मानो, ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, अगर आपको कोई सा भी एक स्टेटमेंट गलत मिल जाता है
तो आपका काम आसान हो गया, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, तो अगर आपका एक स्टेटमेंट गलत है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। और अगर आपने मान लो कि ऑप्शन बी को मतलब ये स्टेटमेंट सेकंड को मतलब रीजन को अगर आपने गलत प्रूफ कर लिया, या आपको पता है कि ये गलत है, तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन डी हो जाता है। या आपको ये पता चलता है कि जो एसर्शन है वही गलत है, तो सीधा सीधा आपका सही हो जाता है सी। समझ में आ रही चीज़ है? आपको ये ध्यान से समझना है, अगर आपको एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन मिले हैं तो आपको ये देखना है कि ये दो स्टेटमेंट है, ऐसे समझना है, और उन दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? अब उसमें से ये चेक करना है, पहला तो ये हो गया कंडीशन, पहला क्या हो गया स्टेप कि हमें ये पढ़ना है, इसको अलग अलग स्टेटमेंट कर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसमें ये देखना है कि अगर क्या कोई स्टेटमेंट गलत है, अगर गलत है तो फिर ऑप्शन ए और बी हो ही नहीं सकता है, सी या डी में से कोई होगा, तो आपका काम आसान हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, अच्छा ठीक है। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो अगर ये दोनों सही है तो फिर आपको कनेक्शन बिराने हैं कि मतलब क्या रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ या करेक्ट रीज़न बिहाइंड द एसर्शन, ये जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है इज इट द करेक्ट रीज़न बिहाइंड द स्टेटमेंट, तो फिर आपको लिंक बिठाना है कि क्या रीज़न उसके पीछे कारण यही था, कारण यही था, तो फिर आपको अगर कारण मिल जाता है तो ऑप्शन ए सही होगा, अगर कारण नहीं मिलता है तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों आप स्टेटमेंट अलग अलग तो इंडिविजुअली तो आप सही बना रहे हो। तो ये चीज़ है। सो देखिए एसर्शन क्या कह रहा है, द कोल्ड वॉर वॉज नीदर ए वॉर और एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट नॉट ए कंडीशन ऑफ पीस, इट वॉज रादर ए स्टेट ऑफ अनइजी। बिल्कुल, शीत युद्ध में कोई युद्ध नहीं होता था, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, कभी दोनों के ऐसा नहीं हुआ कि सामने सामने से एक दूसरे पर अटैक कर रहे, नहीं, ये वॉर भी नहीं था, तो ये और पीस भी नहीं था, देख रहे हो, एक था मतलब बीच वाला ये एक सिचुएशन दिया जा रहा है कि वॉर भी नहीं है और पीस भी नहीं है। दरअसल ये एक अनइजी पीस की बात थी, मतलब ठीक ढंग से पीस यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं हो रही थी पूरी दुनिया में। तो बिल्कुल ये असर्शन बिल्कुल सही है कि कोल्ड वॉर एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था और एक पीस भी नहीं था, पीस वाला सिचुएशन भी नहीं था, एक अनइजी पीस वाला सिचुएशन। रीजन कहा जा रहा है, ठीक है, रीजन आप देखो, इसको स्टेटमेंट तो आपने पढ़ लिया, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोल्ड वॉर वॉज नॉट बींग फॉट बाई क्लेवर बुब्स प्रोपेगेंडिस्टिक एक्टिविटीज एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट। सर ये बिल्कुल कहा जा रहा था, यहाँ पे नॉट वाला जो है ना वो गलत है, कोल्ड वॉर दरअसल युद्ध भूमि पे नहीं लड़ा जा रहा था, कोल्ड वॉर दरअसल डिप्लोमेसी से लड़ा जा रहा था, आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, जो आप कह सकते हो क्लेवर मूव्स की उस कंट्री को अपने साथ मिला देना है, उस कंट्री को नहीं मिलाना है, या लड़ाई करनी है, चीज़ें करनी है और प्रोपेगेंडा फैलाना है एक दूसरे के अगेंस्ट में, दरअसल कोल्ड वॉर यही था। तो यहाँ पर तो नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो रीज़न है मतलब स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत हो गया, और जैसे ही मैंने बताया कि स्टेटमेंट आपका सेकंड अगर आपका गलत मिल गया तो सीधा सीधा आंसर बन जाता है आपका डी, ठीक है, आपको देखना ही नहीं है कि ए और बी में कुछ होगा, आपका जैसे ही एक स्टेटमेंट गलत हो गया इसका मतलब सी या डी में से आंसर आपका सही बनेगा। तो इसका अगर रीजन गलत है तो मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर से मैंने बताया कि नॉट पे खासा ध्यान देना है आपको, कि ये नहीं रखना है कि मतलब ध्यान से, मैंने आपको बताया दो बार कम से कम आपको क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है कि क्वेश्चन में आखिर कहा क्या जा रहा है, नॉट यहाँ पर कहा जा रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं। स्टेटमेंट ए कहा जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए है, विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट ए कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री, बिना सतत विकास के कोई कंट्री सही मायने में फ्री नहीं कहा जा सकता है। या दूसरा LDCs जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, जो आप कह सकते हो कि अल्पविकसित देश हैं, उनको अपने नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा कंट्रोल दिया जाए, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब जो LDCs हैं अल्पविकसित देश हैं उनको अपने रिसोर्सेज पे उनका अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए, ये बातें थी NIEO में। या फिर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, कि मतलब वेस्टर्न कंट्री से जो टेक्नोलॉजी मिले उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। नेक्स्ट इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़ाया था। तो देखिए इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, क्या पहला स्टेटमेंट गलत है, देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट, बिना डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंट्री सही मायने में फ्री हो ही नहीं सकती। अगर मान लीजिए एक नया कंट्री आज़ाद हुआ, अब इस पे क्या होगा कि बेचारे के पास गरीबी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, बेरोजगारी वगैरह है, तो क्या होगा कि यूएसए क्या बोलेगा कि भाई तुझे मैं बहुत पैसे देता हूँ तू मेरे ग्रुप में आ जा, या फिर यूएसएसआर कहेगा सेम कि भाई तू मेरे ग्रुप में आ जा मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सही मायने में आप आज़ाद नहीं हो सकते हो अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो, ठीक है, कोई ना कोई जो सुपर पावर होगा वो अपनी तरफ अपने खींच लेगा और इसके बाद क्या होगा कि अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा चीज़ों,
जैसे अभी के समय में होता है ना कि चाइना ने बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, इवन अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, तो ऑन, तो ऐसे कंट्रीज को उसने बहुत सारे पैसे दे दिए और फिर उसके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करता है। तो ये चीज़ है, मतलब क्या होगा कि कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो कंट्री सही मायने में फ्री नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है, अब ये स्टेटमेंट है। दूसरा कहा जा रहा है कि एलडीसी को ज़्यादा कंट्रोल मिलना चाहिए उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे, ये था एनआईओ का आइडिया। बिल्कुल ये भी था एनआईओ का आइडिया था कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनका उद्धार होना चाहिए, उनको जो नेचुरल, उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनके हाथों में होना चाहिए, ना कि जैसे मान लो अफ्रीका का कोई कंट्री है उसके पास नेचुरल रिसोर्स तो खूब है लेकिन वो उस कंट्री के कब्जे में नहीं है बल्कि वेस्टर्न पावर है उसने अपने कब्जे में ले रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एनआईओ में यही चीज़ें थी कि वेस्ट के कंट्रीज हैं वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो रिसोर्सेज को ओन कर रहे हैं उसको छोड़े और जिस कंट्री का रिसोर्स है वही कंट्री उस चीज़ को ओन करे। थर्ड ये था कि जो वेस्ट से टेक्नोलॉजी मिलते हैं वो सस्ते मिलने चाहिए। बिल्कुल ये भी एक चीज़ थी, कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा जब टेक्नोलॉजी उसको कम दाम पे मिलेगा तब ना। सोचो मान लो कि ये नाम का कंट्री है और बेचारा गरीब है, अब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको नए टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी किसके पास है, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास है, डेवलप कंट्रीज के पास है। ठीक है, तो सस्ते दाम पे टेक्नोलॉजी अगर इनको मिल जाए वेस्टर्न कंट्रीज से तो ये जो ये कंट्री है वो भी डेवलपमेंट हो जाएगा उसका। तो यही चीज़ें थी कि कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कम होने चाहिए। एंड डी ऑप्शन है, इट वॉज प्रपोन्डेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नो सर, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रतिपादित नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो इस समय थी भी नहीं जब ये चीज़ें आई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में एग्जिस्टेंस में आया है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस समय इस चीज़ को इन्वेस्टनाइज नहीं कर सकती थी। उस समय जो था ना वो UNCTAD, ठीक है, UNCTAD के द्वारा ये चीज़ें प्रोपिगेट करी गई थी, या उसका एक रिपोर्ट था उसके द्वारा 1973 में ये बातें वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें और आगे बढ़ी थी। ठीक है, और वैसे UNCTAD एक नाम रख लो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएम। एनएम के कौन से ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो एनएम के ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं लेवल थ्री पे। अब पांच क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एनएम के ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट नहीं करता। पहला, इनेबलिंग न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्री टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी। सेकेंड, नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस। थर्ड, फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू। या डी, फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, तो आपको इसको जवाब देना है। इससे पूछा जा रहा है कि एनएम का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था। क्या इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मतलब न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्री अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को परस्यू करे, या फिर किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन ना करे, क्या न्यूट्रलिटी को फॉलो करे पूरी दुनिया में, या चौथा कि ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करने पर फोकस करे। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रलिटी, एनएम एक न्यूट्रल एजेंसी नहीं थी या न्यूट्रल मूवमेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि न्यूट्रलिटी को फॉलो करें। न्यूट्रलिटी का फॉलो करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको बता दूं कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे हमारे सेंट्रल एशिया में ही कंट्री है, तो वो सब कंट्रीज ना ऐसे होते, तुर्कमेनिस्तान जिसको कह रहे हैं, तो वो सब कंट्रीज ऐसे जो कि न्यूट्रल कंट्रीज होते हैं। वो उन लोगों ने कह दिया है कि हम वर्ल्ड के मसलों पर हम लोग कभी भी किसी एक देश का साइड नहीं लेंगे और कभी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये होता है न्यूट्रलिटी का मतलब, कि कभी भी जो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं करें। तो इंडिया या एनएम के जो मेंबर थे वो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। इंटरफेयर करने का मतलब ये हो गया कि वो पीस चाह रहे थे। जैसे कोरिया की बात करूं तो एनएम के लीडर, इवन की इंडिया को वहां पर बनाया गया था, नेहरू जी वहां के बने थे चेयरमैन उस चीज को सुलझाने के लिए 1950 से 1953 के बीच में। तो ऐसा था, न्यूट्रल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये मूवमेंट नहीं था एनएम। एनएम न्यूट्रलिटी को प्रोपगेट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 17th नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कहा जा रहा है आपको दो एक एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसको अलग अलग स्टेटमेंट के तौर पे पढ़ना है। पहले एसर्शन रीजन पे ध्यान नहीं देना है, आपको दो स्टेटमेंट अलग अलग इस प्रकार से इसको पढ़ना है। इन अप्रैल 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 20 स्टेट विच डिक्लेयर दैट आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और रिकॉर्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। क्या ये था? अप्रैल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 12 स्टेट के द्वारा बनाया गया था, और इसमें ये चीज़ें थी कि किसी भी एक, इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ थी आर्टिकल 5। इसमें एक आर्टिकल 5 है, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो नाटो है ना, नाटो में जितने भी मेंबर होंगे, ठीक है, अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला होता है
तो बाकी सारे लोग उसको डिफेंड करने के लिए आएंगे। समझ में आया? देखो देखो, पांच कंट्री है मान लो नाटो में, वैसे तो जब बना था ये 12 कंट्री थे और अभी के समय 30 कंट्री है, बट आपको सिंपल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि इधर से कोई एक कंट्री, इसने क्या किया है, नाटो के किसी एक मेंबर पे हमला कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक देश पर हमला, नाटो के एक देश पर हमला, नाटो ग्रुप के जो मेंबर हैं उनमें से एक देश पे हमला, माना जाएगा कि सब पे हमला हो गया और सारी कंट्री मिलकर इस पे हमला कर देंगे। तो ये इतना खतरनाक था नाटो। नाटो जो है ना वो अप्रैल 1949 में बना था, और बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि इसका जो आर्टिकल 5 है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी एक देश पर हमला, मतलब नाटो में जो कितने भी कंट्री उसमें एक देश पे हमला होता है तो उसको सभी पे हमला माना जाएगा और सभी लोग उसे डिफेंड करने में आएंगे और उसको रिटेलिएट करेंगे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। रीजन पूछा जाता है, रीजन पे आप देखिए, ईच स्टेट वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प द अदर। बिल्कुल, हर एक स्टेट की ये जिम्मेवारी है कि दूसरे की हेल्प करे। तो ये भी जो रीजन है ये बिल्कुल सही है। और इसका अब आपके पास दोनों सही हो गए, मतलब सी और डी तो ऑप्शन नहीं होगा। तो अब आपको देखने के क्या ये जो रीजन है ये सरसन का सही रीजन है। बिल्कुल, ये रीजन बिल्कुल सही है। रीजनिंग जो इसके पीछे की है बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे कंट्री के लिए ऑब्लाइज, मतलब सारे कंट्री ऑब्लाइज होंगे कि अगर एक कंट्री पे भी हमला हो गया तो बाकी बचाने के लिए आएंगे। ठीक है, ये चीजें याद रखना। चलो आपको बता देता हूँ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि आर्टिकल 5 अभी तक में नाटो ने कब एक ही बार इसको अप्लाई किया है। सोच लो, नाटो 1949 में बना और ये जो आर्टिकल था ना ये एक ही बार अप्लाई हुआ है। वो कब हुआ है? 9/11 के अटैक के बाद, जब 9/11 इट मीन्स 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के जो ट्विन, अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर जब ओसामा बिन लादेन ने जब मारा था। ठीक है, वो जब स्टोरी आपको बताऊंगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब उस पर प्लेन से अटैक किए गए थे, तो उसके बाद जो अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया था, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, तो उस समय ये जो आर्टिकल है उसको इन्फोर्स किया गया था। और सारे नाटो वाले मिलके उन्होंने फिर चुन चुन के अलकायदा, तालिबान, इन सबको मारा था, जो भी हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कार्टून बेस्ड। इस कार्टून में किस चीज की या किस घटना के बारे में दिखाया गया है? यूएसएसआर डिफीट इन अफगानिस्तान, सेटबैक्स फॉर द यूएस इन वियतनाम, वियतनाम क्राइसिस फॉर यूएसएसआर, और इज इट डिफीट ऑफ यूएसएसआर आर्मी इन वियतनाम। आपको बताना है कि इस कार्टून में किस चीज के बारे में दर्शाया गया है। आई होप ये कार्टून आपने देख लिया होगा और आंसर भी आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। सो ये जो कार्टून है इसमें बेसिकली जॉनसन को दिखाया गया। जॉनसन जो थे ना वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उनको दिखाया गया कि वो वियतनाम को दरअसल खाने गए थे और वियतनाम को मतलब अपने कब्जे में लेने गए थे, और वियतनाम ने खुद को ही उनको ही काट लिया। मतलब ये चीज़ है, ये सिग्निफाई कर रही है कि यूएस गया था 1955 के आसपास, 1945-54 के ही दिसंबर में वो चला गया था। 1955 से करीब 75 तक वियतनाम में रहा, वियतनाम को कैप्चर करने की कोशिश करी उसने, लेकिन यूएसए को हार, मतलब हार मानना पड़ा और यूएसए वहां से निकल गया। ठीक है, इसमें वियतनाम वालों ने जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, छुप छुप के लड़ाई करने वाली, वो चीज़ें उसने अडॉप्ट करा था और उसके बाद जीत गया था वियतनाम। तो ये बहुत ह्यूमिलेटिंग था अमेरिका के लिए, बिकॉज अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और 20th सेंचुरी में तो वो तो सुपर पावर था ही, और उसके बाद एक छोटा सा कंट्री वियतनाम जो एशिया का कंट्री है, तो उससे वो हार जाता है। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। तो ये चीज कार्टून में दिखाया जा रहा है, सेटबैक्स फॉर द यूएस इन वियतनाम। ठीक है, वैसे आपको मैप में दिखा दूँ, ये है वियतनाम। ठीक है, इसको इंडो चाइना भी कहते हैं। वियतनाम, लाओ और कम्बोडिया जो है ना, ये तीनों इलाके, इसको हम लोग इंडो चाइना कहते हैं। और इस पर फ्रेंच रूल होता था, फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस पर फ्रेंच लोगों को हटा के फिर जापान कैप्चर कर लिया था, जापान ने इसको। लेकिन आपको पता है कि जापान पर जब एटम बॉम्ब गिराया गया था तो उसके बाद फिर यहाँ से निकल गया। उसके बाद वापस फ्रेंच ने ट्राई किया था कि वियतनाम सब पे कब्जा करे, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद जेनेवा एकॉर्ड साइन किया गया, और जेनेवा एकॉर्ड के बाद वहां पे वियतनाम को दो पार्ट में बांट दिया गया था, क्योंकि ऊपर वाले जो वियतनाम था ना उसको चाइना से मदद मिल रही थी, यूएसएसआर से मदद मिल रही थी। तो उसने वहां पे हो चिन मिन, एक बहुत बड़े लीडर है वियतनाम के, हो चिन मिन, तो हो चिन मिन जो है ना वो कम्युनिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने नॉर्थ वियतनाम में अपनी सरकार बना ली। तो अब ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये जो एशिया का एक कंट्री और बन गया कम्युनिस्ट, तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। और मैंने आपको बताया कि ये जो एक डायनेमो इफेक्ट वाली बात होती है ना, ये बहुत पॉपुलर था अमेरिका में कि एक कंट्री अगर बना है तो धीरे धीरे और भी कंट्रीज बन जाएगा। अमेरिका को ये डर था कि चाइना बन गया है, वियतनाम बन जाएगा, फिर उसके बगल में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार सब बन जाएंगे कम्युनिज्म। तो हमें कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना है, कंटेनमेंट करना है, कंटेन करना है के स्प्रेड को। तो अमेरिका फिर यहाँ पर हमला करने आया, लेकिन अमेरिका बेचारा 20 साल तक रहा, लेकिन कुछ भी उसको मिला नहीं, बेचारे हार कर वहाँ से जाना पड़ा।
तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर ये सिग्निफाई कर रहा है यूएसएसआर सॉरी अमेरिका किस प्रकार से वियतनाम में हार जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और रीजन उसके पीछे दिया गया है और आपको जवाब देना है। इट वॉज बींग टोल्ड दैट इंडियाज नॉन अलाइंड पॉलिसी वॉज इनकंसिस्टेंट। ये कहा जाता है कि भारत की जो गुट निरपेक्ष की नीति है ना वो असंगत थी, और इसका रीजन दिया जा रहा है कि इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन 1961 विद यूएसएसआर। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। आई होप ये काफी आसान सा सवाल है, आप इसका जवाब दे दो। तो देखिए पहले हम स्टेटमेंट वन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इट वॉज बिंग टोल्ड दैट इंडिया नॉन अलाइंड पॉलिसी वॉज इनकंसिस्टेंट। ये सही, इंडिया की जो नॉन अलाइंड पॉलिसी थी ना वो ये थी कि मतलब इंडिया जो कह रहा था नॉन अलाइनमेंट में, मतलब थ्योरी में ये कह रहा था कि हमें किसी भी देश के साथ नहीं जाना है, ना यूएसए के साथ जाना है ना यूएसएसआर के साथ जाना है। ठीक है, तो लेकिन ज्वाइन कर रहा था, उसका रीजन स्टेटमेंट सही बताया जा रहा है कि हुआ क्या कि 1971 में इंडिया तो हमेशा से प्रोपगेट कर रहा है या इस चीज़ की एडवोकेसी कर रहा है कि हमें किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं कर रहा, लेकिन 1971 में खुद जाके वो यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन कर लेता है। हालांकि कारण था कुछ और कि मतलब बांग्लादेश के साथ लड़ाई, बांग्लादेश लिबरेशन बॉर्ड होने वाला था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने वाली थी। ठीक है, उस समय 1971 में क्या हुआ था, दिसंबर में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने की लड़ाई चल रही थी ना, बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने वाला था, इनएविटेबल था। तो उस समय इंदिरा गांधी थी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यूएसएसआर के साथ जाकर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर लिया। क्यों किया था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी जानती थी कि जब लड़ाई होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान को हेल्प करने यूएसए जरूर आएगा, और यूएसए आएगा तो फिर हम जीत नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। तो इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन कर लिया। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, और दोनों स्टेटमेंट में जो रीजन है ना वो एसर्शन को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है कि इंडिया का जो इनकंसिस्टेंट रोल देखने को यहाँ पे मिलता है कि खुद तो कह रहा है कि किसी भी काम को ज्वाइन मत करो, लेकिन खुद जाके यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन करता है। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंडिया का बिल्कुल नॉन अलाइंड की पॉलिसी। बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इट वॉज इनकंसिस्टेंट बिकॉज इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद यूएसएसआर इन 1971, कारण जो भी रहे। लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन का, आपको बताना है विच सेट ऑफ लीडर्स बिलोंग टू द एनएएम, नेताओं का कौन सा समूह एनएएम से संबंधित। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, टीटो, नेहरू, कैनेडी, या बी सुकार्नो, क्रुमा, नासिर, सी क्रुशेव, टीटो, नेहरू एंड डी निक्सन, नासिर, सुकार्नो। तो देखिए ये काफी आसान सा सवाल है, आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ये काफी आसान सवाल है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए को एलिमिनेट करें। देखिए आपको आंसर नहीं भी आता लेकिन फिर एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कैनेडी इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में, तो कैनेडी तो साहब यूएसए, मैंने शुरू में बताया जॉन एफ कैनेडी वो ह्यूमन मिसाइल क्राइसिस के समय थे, तो एनएएम में क्यों आएंगे वो, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। सी देखोगे तो क्रुशेव, वो भी ह्यूमन मिसाइल क्राइसिस के समय यूएसएसआर के प्रीमियर थे, तो वो भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी कट गया। फिर डी रिचर्ड निक्सन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, बाद में आते हैं 1970s के बीच में, जिससे मैंने बताया था कि चाइना को विजिट भी किया था उन्होंने 1972 में, तो वो भी यूएस के प्रेसिडेंट है, तो वो भी नहीं होगा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा बी, सुकार्नो, क्रुमा, नासिर। सुकार्नो जो थे वो इंडोनेशिया के थे, क्रुमा जो थे वो घाना के, और नासिर वो इजिप्ट। चलिए हम लोग इन लीडर्स के बारे में देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब एनएएम के फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं, नेहरू जी, और ये घाना के हैं, क्रुमा, उसके बाद बीच में आप देख रहे हो ये इजिप्ट के हैं, ठीक है, जामेल अब्देल नसार, नासिर या कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया के सुकार्नो, और इसके बाद एक्सट्रीम राइट में आप देख रहे हो ये टीटो हैं जो कि यूगोस्लाविया के। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी समझ लो कि आप इन लीडर्स के बारे में थोड़ा सा आप इनका कैरेक्टर स्टेज देख लो। जोसेफ ब्रॉज टीटो ये यूगोस्लाविया के थे, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूगोस्लाविया के 1945 से 80 के बीच में। इन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ठीक है, कम्युनिस्ट थे, सोच रहे हो, देख रहे हो आप ये कम्युनिस्ट थे, लेकिन इन्होंने सोवियत यूनियन से डिस्टेंस बना के रखा हुआ था, और ये सोवियत यूनियन के ग्रुप को भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। और यूएस यूगोस्लाविया में क्या है ना, वहाँ पे एथनिक डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी वहाँ पर लोगों के बीच में झगड़े होते रहते हैं अलग अलग एरियाज़ के बीच में, तो इन्होंने उस चीज़ को बांधे रखा, मतलब जब तक ये शासन में रहे थे, जब तक इनकी मौत नहीं हो गई थी तब तक यूगोस्लाविया को इन्होंने बांधे रखा था। उसके बाद धीरे धीरे यूगोस्लाविया टूटता हुआ जाता है, यूगोस्लाविया बहुत बुरी तरह टूटा, आज तक वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। अभी हाल ही में कुछ सालों पहले कोसोवो वहाँ से टूटा है, हालांकि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट कोसोवो वहाँ से टूटा है, उससे पहले अलग अलग कंट्रीज वहाँ से, मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड सो ऑन, बहुत सारी कंट्रीज है यूगोस्लाविया से ही टूटे हुए। तो यूगोस्लाविया बहुत दिक्कतें हुई थी, लेकिन टीटो जो थे ना वो काफ़ी एक कैरिस्मेटिक लीडर थे, और जब तक ये रहे उन्होंने यूगोस्लाविया को बांधे रखा, ठीक है।
मतलब यूनिटी को उन्होंने मेंटेन किया। और नेहरू जी के बारे में आप जानते हो, 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1964 में इनका देहांत हो जाता है। पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, मतलब जब तक ये जीवित रहे इन्होंने विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी इन्होंने देख रखा था। इन्होंने एशियन यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, डिकॉलोनाइजेशन पे काफ़ी था इनका कि मतलब डिकॉलोनाइजेशन होना चाहिए, दुनिया में कोई भी देश एक दूसरे को गुलाम ना बनाए, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मतलब कि कोई भी न्यूक्लियर पावर ना बने, ठीक है, न्यूक्लियर जिसके पास वेपन है वो इस चीज़ को ख़त्म करे, और दुनिया में पीस को एस्टैब्लिश करने में इनका काफ़ी रहता था, मतलब ये आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे काफ़ी, ये सब लीडर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उस समय। फिर उसके बाद गामेल अब्दुल नासर, ये थे इजिप्ट के, जैसे आप देखते चलो ये हो गया यूगोस्लाविया का, ये इंडिया, और ये हो गए इजिप्ट, ठीक है। तो गामेल अब्दुल नासर दरअसल ये एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, इन्होंने इजिप्ट को रूल किया 1952 से 70 के बीच में। इन्होंने अरब नेशनलिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था, अरब नेशनलिज्म को काफ़ी प्रमोट किया था, सोशलिज्म को, एंटी इंपीरियलिज्म को इन्होंने किया था। इनके कार्यकाल में ना एक बहुत इवेंट, बड़ा इवेंट हुआ था, वो था स्वेज कैनल क्राइसिस। देखो स्वेज कैनल जो है ना, वो आप अगर मैप देखोगे ना तो स्वेज कैनल आप जो रेड सी और मेडिटेरियन सी है उसको जोड़ता है, अगर आप देखोगे मैप ना तो ये यहाँ पर है, ठीक है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाला एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि बनाया गया था, जो 1869 में बनाया गया था। सो उसमें क्या हुआ था कि जब ये बनाया गया था तो इस समय क्या हुआ था कि वेस्टर्न पावर जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, उन सब के कोऑपरेशन से ये बना था। और देखो ये जो कैनाल है ना वो है इजिप्ट में, है इजिप्ट में, लेकिन इस पर जो इसका जो कंट्रोल था ना वेस्टर्न पावर ने रखा हुआ था अपने पास, क्योंकि उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट था, बिकॉज आप जानते हो कि अगर आपको एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड करना है तो अगर आप स्वेज कैनल नहीं हो तो फिर यहाँ से पूरा नीचे से घूम कर पूरा अफ्रीका को अफ्रीका के नीचे से आना पड़ेगा, तो ये वेस्टर्न पावर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वेस्टर्न यूरोप के लिए। तो उन्होंने स्वेज कैनल बनवाया भी था उन्होंने ही, तो उन्होंने कंट्रोल भी अपने पास रखा। लेकिन ये जो गामेल अब्दुल नासर है ना, इन्होंने ये जब सत्ता में आए तो फिर इन्होंने बोला कि ये इजिप्ट के लोगों के खून से बना हुआ है और इजिप्ट के लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा कौन उठा रहे थे, वेस्टर्न पावर। तो इन्होंने क्या किया, जो स्वेज कैनल है उसको नेशनलाइज कर लिया, नेशनलाइज मतलब होता है कि अपने सरकार के कंट्रोल में ले आया, इजिप्ट के सरकार के कंट्रोल में, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस और उसके इजिप्ट के बहुत बगल में ही इसराइल है, तो इसराइल, इन सब ने मिलकर हमला कर दिया था, ठीक है, तो इसको स्वेज कैनल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये 1956 में हुआ था, हालांकि बाद में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन हुआ, यूएसए का भी इंटरवेंशन हुआ और उन्होंने फिर युद्ध रोकी, लेकिन इस इवेंट के बाद ना ये नासेर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, बहुत बढ़ गई थी इजिप्ट में और इवन की अरब कंट्रीज में भी, जो एक अरब नेशनलिज्म का आइडिया होता है उस चीज़ को उन्होंने, उसके लिए बड़े पायोनियर बन गए। उसके बाद आते हैं सुकार्नो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में मैंने बताया कि इंडोनेशिया ना डच कॉलोनी हुआ करते थे, हालांकि डच हमारे यहाँ पे पहले आए थे इंडिया में ही रूल करने के लिए, रूल मतलब ट्रेड करने के लिए, बट उनको इंडिया में दिखा कि यहाँ पे बड़े पावर प्ले हो रहा है, बड़े बड़े पावर पहले से हैं, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, तो अपन लोग नीचे चलते हैं। तो ये रहा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में मतलब इंडोनेशिया में एक तरह से आइलैंड्स का एक ग्रुप है, इसमें जावा, सुमात्रा जैसे बड़े सारे आइलैंड हैं। सो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को भी लीड किया था, सोशलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो मैंने बताया 1955 में, फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, तो उसको भी उन्होंने होस्ट किया था, ठीक है, और बाद में फिर मिलिट्री कू हो जाता है, फिर इनको सत्ता से हटा दिया जाता, बाकी जो भी हो गया वो सब आप कह सकते हो कि एशिया से। उसके बाद क्रुमाएं, तो क्रुमा जो है ना वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना है, और इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को वहाँ पे लीड किया था, सोशलिज्म, अफ्रीकन यूनिटी को इन्होंने अपोज किया था, और बाद में फिर इनको मिलिट्री कू से हटा दिया जाता है। सो दैट्स इट इन दिस सिलेक्शन, और थैंक यू सो मच। अगर आपको इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको, अगर आपको दूसरे भी सब्जेक्ट के चाहिए, हिस्ट्री के चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के या नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर ग्रुप है ब्लेंडर ने केटवल, या फिर अगर आप डायरेक्टली पाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम कर सकते हो। सो हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, एंड कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।